चिकित्सा का काम है सेवा करना, समुचित इलाज मुहैया कराना, जिसका संकल्प है पूरा करना। कर भी रहे हैं डॉक्टर राहुल अग्रवाल। नाम सुनकर ही जान गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं पलामू में इमरजेंसी सेवा को बहाल करने वाले एक मात्र ब्रांड नारायण हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर राहुल अग्रवाल का, जो अब डाल्टन भंडरिया विधानसभा क्षेत्र में चुनावी राजनीति का ब्रांड बनकर उभर रहे हैं। देखिए, अगर हम लोगों के मन में सेवा का भावना नहीं होता और अगर हमारी मंशा राजनीति में कुछ और होती तो हम लोग राजनीति में अगर गलत मकसद से जाते तो इससे बढ़िया हम लोग डॉक्टर थे। अपने बातों के मनोरंजक कार्यकर्ता बनाने के बजाय उन्हें सहयोगी बनाने के समर्थक और विकास का पैमाना को उलट फेर कर एक नए समाज, नए संसार, नए संकल्पना को जीवंत करने की मंशा रखने वाले समाज सेवी डॉक्टर राहुल ने ऐलाने जंग किसी विरोधी से नहीं बल्कि पलामू में फैली अव्यवस्था, अराजकता और समरसता के खिलाफ छेड़ी। अपने बाबूजी से सीखा, देखा, बड़ा हुआ, फिर हम लोग भी सब लोग पढ़े, डॉक्टर बने और फिर जो कमियां दिखी हमें, आज डायलिसिस के लिए लोग रांची नहीं जाते हैं, ये किसका देन है? नारायण हॉस्पिटल। बिल्कुल, हम लोगों ने एक सोच रखा कि हम लोग वो चीज़ दें जबकि लोग इतना परेशान होते थे, एक महीने में 8 बार लोग जाते थे रांची और आते थे, वो तो गरीब मर जाता था। हमने उनका वही इलाज अपने ही घर में उनके लिए किया। हड्डी रोग विशेषज्ञ होने के नाते जिनका काम ही है जोड़ना, वैसे चिकित्सक डॉक्टर राहुल अग्रवाल ने नया आयाम जोड़ डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा क्षेत्र में नया मुकाम पाया है। हम लोग डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र से हम लोग डॉक्टर राहुल अग्रवाल को हम लोग विधायक बनाना चाहते हैं। डॉक्टर राहुल अग्रवाल इसलिए हम लोग मानते हैं कि हमारा उम्र लगभग 40 वर्ष हो चुका है। इन 40 वर्षों में कई विधायक, कई नेता को मैंने देखा, कहीं क्षेत्र में ऐसा कोई विकास दिखाई नहीं दिया। पंचायत से लेकर प्रखंड तक पूरे एक साथ हम लोग गुलबंद होकर के डॉक्टर राहुल अग्रवाल को हम लोग इस बार जो है कि हम लोग चुनना चाहते हैं। गरीब के जो मेहनत कर रहे हैं, गरीब के जो स्वास्थ्य खेल रहे हैं, आज तक ले 25 हम लोग के 35 साल हो गए राज करते, और 35 साल में आज तक ले कोई आज तक गंदगी साफ नहीं किया। अब जो राहुल अग्रवाल ने जो अभी स्वास्थ्य को जो गंदी साफ कर रहा है, इसी चलते हम लोग जानता है इनका जिताने के लिए काम कर रहे हैं। कैपिटल न्यूज से बातचीत में सक्षम संपन्न संस्कारी परिवार के सबसे बड़े जिम्मेवार जवाबदेह राहुल अग्रवाल ने अपने समाज, जिले के उत्थान की जवाबदेह लेने की विकल्प बन खुद को पेश किया, जता दिया अच्छे लोगों को राजनीति में आना जरूरी है। देखिए, बचपन से लेकर आज तक हम लोग सुनते रहे कि पढ़ा लिखा लोग राजनीति में नहीं आ रहा है, तो सोचे कि पढ़ा लिखा है तो चलो चलते हैं राजनीति में। डॉक्टर राहुल अग्रवाल जननेता बन चुके हैं, भले ही उन्हें आमंत्रण मिले पर दल पार्टी के पीछे नहीं, जनता के पीछे वो चलना पसंद करते हैं। उन्हें सत्ता नहीं, सेवा का मौका जो चाहिए। अभी समय आएगा, हम लोग अभी निर्दलीय अपने जितने भी कार्यकर्तागण हैं उनको यही सलाह दिया है कि हम लोग निर्दलीय हैं अभी, और बाकी वक्त आने दीजिए, पता चलेगा। हालांकि चुनावी संग्राम का बिसात बिछना शुरू हो चुका है और चालें भी चलनी जा रही है। सेवा से संघर्ष की ओर बढ़ चले राहुल अग्रवाल का ऊंट किस करवट बैठेगा आने वाला भविष्य तय करेगा, मगर इतना तो तय है कि चुनावी रंगमंच का पक्ष विपक्ष का जमा खेल को फीका तो रख ही छोड़ा है डॉक्टर राहुल अग्रवाल ने। आगे देखिए इनका चाल कौन कौन सा गुल खिलाता है। ब्यूरो कैपिटल न्यूज़।